बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवाला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। वज़ीरे दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सीरी तंजीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मन हैं और आइंदा चंद दिनों में हालात मामूल पर होंगे और आम इंतखाब अक्टूबर में अपने वक़्त पर होंगे। आलमी नशरियाती अदारे अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीरे दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी बहरान ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा, जबकि शहरों में अमन बहाल हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई को रावलपिंडी, मियांवाली और लाहौर में पुरतशद वाक़ात के दौरान पीटीआई के मसल्ला जत्थों ने अस्करी तंजीबात हमले किए। पाकिस्तान में इससे पहले भी गिरफ्तारियाँ होती रहीं और मैं भी गिरफ़्तार हुआ था। मेरा लीडर और मेरी सियासी पार्टी कई लोग गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। हमने गिरफ्तारियों पर कभी अस्करी व सिविल तंजीबात हमले नहीं किए। उन्होंने कहा, अस्करी व सिविल तंजीबात हमले करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तलाफ ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी अमलाक व आमी अमलाक पर हमले किए जाएँ।